नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में पंचक को अशुभ माना गया है, इसीलिए पंचक के 5 दिनों में के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पंचक काल में मृत्यु होने को भी अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि पंचकों में हुई मृत्यु परिवार कुटुम्ब पर संकट लाती है। पंचक हर महीने लगते हैं और ये अलग अलग तरह के होते हैं। अप्रैल महीने में यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो कि 19 अप्रैल तक ये चलेंगे। पंचक 15 अप्रैल से 2023 शनिवार से शुरू हुए हैं। ये मृत्यु पंचक है। जब पंचक शनिवार से शुरू होते हैं तो उन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है। मृत्यु पंचक को सबसे अशुभ माना गया है। 15 अप्रैल की शाम 6:44 से शुरू हुए मृत्यु पंचक 19 अप्रैल रात 11:53 पर समाप्त होंगे। इस दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी जरूरत है हमें। पंचक काल में गलती से भी लकड़ी को नहीं खरीदना चाहिए, ना ही लकड़ी, ना ही कोई भी ईंधन इकट्ठा करें। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। पंचक काल में शव को जलाना तक शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है पंचक में मृत्यु होने पर व्यक्ति अपने साथ 4 और लोगों को ले जाता है, इसलिए पंचक में मृत्यु होने पर शव के साथ 4 नारियल रख दिए जाते हैं, ताकि परिवार के बाकी लोगों की सेहत और जीवन पर कोई संकट ना आए। पंचक काल में पलंग या चारपाई बनवाना शुभ नहीं माना जाता। पंचक काल में घर की छत डलवाना भी अशुभ होता है, ऐसा अशुभ फल देता है। पंचक काल में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि ये सारे काम करने ही पड़े तो कुछ उपायों के साथ करने चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।